सर बैठ कर लेंगे हम लोग, बैठ कर ले आ जाइए। Our friend, yes, because he has done such an amazing job in the music industry. I really respect and love him and his work. So I'm sure this place is beautiful and has a little bit of his heart there. So that's why I'm here, and I'm so excited and happy for him. And I can't wait to go there to see how the place feels like, tastes like, and looks like. Thank you. It's a great show. It's very entertaining, and actually in Romania I was hosting a show which is very similar with Big Boss, which is called The Farm. So the celebrities are living in a farm's house as the celebrities are living in a Big Boss house. So I know the format is very interesting, but the level that Big Boss is reaching right now, I think it's unbelievable. So yeah, it's very entertaining, it's fun, it's very real. My favorite, it's complicated, I don't know, I can't give a name, but I think, you know, important is to be real, to be natural and sincere, so everyone choose the path that thinks is right for them. So anyway, best of luck for all of them, and happy Diwali to everyone. Okay, ma'am, last question. Yes. Yesterday, zero trailer launched. Yes. I've seen just a little bit because some friends were watching, so it looks very good. It looks very good, yeah. Congratulations to the team. I don't know details, so I can't tell anything about it. But best of luck to the team. I'm sure they will do an amazing job. Diwali, happy Diwali, everyone. Sending you a lot of love and light. क्या कहना चाहेंगे आज लास्ट
लॉन्च पे आए हैं। बहुत खुशी हो रही है, साजिद जी ने एक नया वेंचर, उन्होंने नया वेंचर स्टार्ट किया है। अंदाज कैफे एक दुबई में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आउटलेट है और अभी अपने मुंबई में शहर में, वो भी लोखंड वाला, इज सच अ हार्ट ऑफ अ सिटी, और यहाँ पे अंदाज कैफे खुला है। सो आई विश साजिद जी एंड इफ्तिकार जी ऑल द वेरी बेस्ट इनके न्यू वेंचर के लिए। कैसा है कि इंडियन फूड तो मुझे बहुत पसंद है, वो तो हम बचपन से बड़े हुए हैं इंडियन फूड के साथ, तो जब भी घर जाओ तो दाल चावल तो हमारी फेवरेट होती है, लेकिन मैं बहुत इंटरनेशनली रह चुकी हूँ तो इंटरनेशनली सारे क्विजींस ट्राई करना मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी सारे क्विजींस मेरे फेवरेट है, तो इंडियन तो बहुत खास है, लेकिन एट द सेम टाइम इटालियन हो या अरबिक हो, ये क्विजीन मुझे बहुत पसंद है। बहुत फ़ायदेमंद, आप जानते हैं ये लोखंड वाला ये जो हब है, ये जो एरिया है, यहाँ पे जितने आउटलेट्स खुलती हैं, यहाँ पे हम सारे इंडस्ट्री के लोग किसी आउटलेट को सुना नहीं छोड़ते हैं। कोई भी नया आउटलेट खुलता है हम ज़रूर जाते हैं, हम ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। तो विद द सर्विस एंड फूड अगर दोनों साथ में अच्छा रहा तो इट्स अमेजिंग, एक तो मुंबई वासियों के लिए, लोखंड वाला के लिए और हम सबके लिए। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉइंट और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होने वाली है, आई एम श्योर। मैम, बिग बॉस की बात करें, बिग बॉस देख रहे होंगे आप, कितना पसंद आ रहा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी लंदन थी पिछले 20 दिनों से शूट कर रही थी, अभी 2 दिन हुए मुझे आके, तो बीच वाला काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो मिस आउट कर चुकी हूँ, लेकिन हमारी मराठी बिग बॉस से मेघा ढाड़े वो ऑलरेडी बिग बॉस में जा चुकी है एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो या फिर उसके थोड़े क्लिपिंग्स देख पा रही हूँ। टास्क वो बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, बिफोर उसके पहले कुछ ज़्यादा अच्छा, यानी उतना मज़ा नहीं आ रहा था जैसे टिपिकल सबके एक एक ट्रेड्स हैं, तो लेकिन अभी लगता है गेम में कुछ शायद कुछ कुछ फ़र्क पड़ेगा ये आने के बाद में, क्योंकि सब लोग तो ज़रूर डर गए उससे, और वाइल्ड कार्ड है तो वाइल्ड कार्ड इज़ नॉट अ ईजी थिंग, बहुत सारी नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है और बहुत सारा कंपटीशन झेलना पड़ता है, तो और बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती है वाइल्ड कार्ड के लिए, तो वो लड़ रही है फिलहाल। तो मेगा को लेके काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे थे, बहुत मराठी विनर है इस तरह का वो कह रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? वो काफ़ी वहाँ पे लोगों को दबाव बता रही कि मैं मराठी विनर हूँ, मराठी विनर हूँ, एक नेशनल चैंपियन। एक्चुअली मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ये बात हुई थी जब वो नहीं गई थी यहाँ पे बिग बॉस के अंदर एंट्री हुई, जब वो एंटर करके गई थी, बिग बॉस ने खुद ने बोला था कि मराठी की विनर है। इस बात को लेके मैंने सिर्फ उसको एक ही बार एक सीन में देखा था कि जब उसने अपने वाटर जार को पॉइंट करके बोला था आसान नहीं है ये मिलना, लेकिन उसके अलावा मैं विनर हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो ऐसे वैसे मैंने देखा नहीं है। बट ये मुद्दा जो ऑलरेडी, ये जो पॉइंट है, ये सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी बिग बॉस ने सबको बोल दिया है, सब लोग इस पॉइंट को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ज़्यादा मैंने एज ए सेट 20 दिनों से ज़्यादा मैं देख नहीं पा रही, लेकिन थोड़ा बहुत जो देख रही हूँ आई थिंक उससे ज़्यादा जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उनको दे गई है उसका मुद्दा बना रहे हैं पक्का, फॉर श्योर। थैंक यू। जो कि एक सिंगर हैं, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं और नया वेंचर, और जहाँ तक बात रही चाय की कॉफ़ी की, तो मैं आपको बता दूँ कि साजिद भाई जैसा कुक कोई नहीं, इतना अच्छा खाना वो बनाते हैं अपने घर में, आप अगर उनका वीडियो देखें तो आपके मुंह में पानी आएगा और आप जल्द से जल्द ये सोचेंगे कि मैं कैसे उनके घर तक पहुँचूँ। तो खाना बनाने में, खाना परोसने में और खाना खिलाने में हाथ नहीं पकड़ सकता है। इज़ अ वेरी गुड कुक, इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीन, इज़ अ जेंटलमैन एंड ही जिन्हों जितना उन्होंने बॉलीवुड के लिए किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। देखिए, अगर डिफरेंट नहीं होगा तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आज आप इस एरिया में खड़े हैं जिसका नाम है लोखंड वाला, ये एक हब बन गया है बॉम्बे एंटरटेनमेंट का, नाइट लाइफ का, अच्छी अच्छी खाने का, पकवान का, कॉफीज का, टीज का। तो जहाँ तक बात रही कि वेराइटीज़ और अलग हटकर, तो जैसे कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलता है कि है, हर एक म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है कि उसकी गाने हटकर है, वैसे ही साजिद भाई ज़रूर बोलेंगे कि उनकी ये जो अंदाज कैफे है वो हटकर है, लेकिन तय तो हम लोगों को करना है। अभी मैं कॉफ़ी पिया नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जब मैं कॉफ़ी पी लूँगा उसके बाद मैं बताऊँगा।
थैंक यू।